फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और इस वक्त हम यहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं, इलेक्शन के वक्त और इलेक्शन के ड्यूटी पे लगा हुआ है। मौजूदा वक्त में इस वक्त हम लोग यहाँ SST स्टैटिक सर्वेलेंस टीम पे है, और यहाँ पूरा गाड़ी का और जितना भी मुसाफिर और जितना भी सवारी के चेकिंग कर रहे हम लोग। और आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त इलेक्शन में काफ़ी नाजुक स्थिति में आपको कुछ चीज़ नहीं लेना चाहिए, जैसे कि केस, रकम, ज़्यादा पैसा, या फिर जैसे लिक्वर, शराब या कुछ, या वेपन्स वगैरह, ये सब आपको नहीं ले जाना है। आपको ये सब थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। अभी वीडियो का अंत तक बने रहेगा, मैं आपको दिखाऊंगा और ज़्यादा बहुत सारा चेकिंग होने वाला है, दिन भर लगातार चलता रहेंगे ये। पूरा बीजेपी बीजेपी 2024 के आम चुनाव यानी कि जनरल इलेक्शन इंडिया का जो लोकसभा का जो चुनाव होने वाले हैं इस महीना और अरुणाचल प्रदेश के लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी साइमल्टेनियसली हो रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो इसी के दरमियान यहाँ चेकिंग चल रहे हैं और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुके हैं। यहाँ हर एक गाड़ी का चेकिंग कर रहे हैं और यहाँ इसी तरह चेक करते हैं कि जैसे कोई पैसा या कैश अमाउंट या फिर कोई लिक्विड या फिर कोई सोफिस्टिकेट वीफन या कुछ जो चीज़ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के मुताबिक या हम सभी काम कर रहे हैं, चेकिंग लगातार चल रहे हैं। कब दोनों उसको कूदने के लिए इतना टाइम लगता है? किधर किधर लेगा? और ये क्या है? फेंक में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, काली है। हाँ होता है, हो जा हो जा, देने के लिए गया था। जा जा देने है। हम यहाँ मेचुका और आलो रास्ता के बीच पे है, कम्बा सर्कल पे, और यहाँ चेकिंग जोरदार चल रहे हैं। और ये पोजीशन डोरमोबा 27 डोरमोबा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आते हैं और यहाँ भी प्रिस्किंग हो रहे हैं। कई जगह प्रिस्किंग और चेकिंग चल रहे हैं और इसी तरह प्रिस्किंग को कहते हैं स्टैटिक सर्वेलेंस टीम, कहते हैं SST। और इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड टीम भी होते हैं और वीडियो सर्वेलेंस टीम भी होते हैं BST। तो जो इस वक्त आप रास्ता में देखते हैं SST कहा जाता है, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम। ये हमारे मजिस्ट्रेट यंग एंड डायनामिक दोनों, फिर से मैं दिखाऊंगा। ये देखिए नाम की आपको खुद पता चल जाएंगे। और ये देखिए, ये आलो से यहाँ ड्यूटी करने आए। हाँ, ये आलो से दो ड्यूटी कर लिए। देखिए तो बहुत ही यंग, डायनामिक, हैंडसम, फिट एंड फाइन। ये देखिए पूरा खुला इसको।
है वो बैग तो सब दिखाओ ये बैग लुक पर तुम नमो तो देखिए खोल दिया अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल 2024 को बोटिंग है और जैसे ही बोटिंग ख़त्म होंगे उसके साथ ही साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो लागू रहेंगे ही जून महीने तक, मगर उसके बाद शायद इतना प्रिस्टीन नहीं होंगे, मगर 19 तारीख तक इससे भी और सिक्योरिटी स्ट्रेंथन होंगे, मजबूती से चेक किया जाएंगे और सभी मुसाफिर और सवारियों से एक जानकारी देना चाहता हूँ कि आप हथियार या सोफिस्टिकेट वीफन्स यानी कि दाव जो भी चीज़ या फिर गोला बारूद या फिर कुछ जो शराब लिक्वर या फिर पैसा नकद 50,000 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं, और अगर आप कमर्शियल के हैं तो आप ये वाउचर दिखाना पड़ेगा, चालान दिखाना पड़ेगा, और आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल प्रिस्टीन हो रहे हैं, अभी भी चप्पा चप्पा छानबीन कर रहे हैं। ये तो ज्यादा ही हो गया। और इस तरह रात को भी नाका होते हैं और दिन को हमारा SST काम होते हैं, और यहाँ देखिए सवेरे से लगा हुआ है और इस तरह से बिल्कुल प्रिस्किंग चलते हैं। देखिए तो आप सावधानी से बरतिएगा, कहीं भी जाएंगे तो कहीं पे भी आप निकलेंगे तो अपना गाड़ी का कागज़ और सब कुछ सही तरीके से आप साथ में ले जाइएगा और बिल्कुल आपका सुविधा होंगे। बस आपको यूं ही प्रिस्किंग और चेकिंग के लिए आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा और उसके बाद तो कोई इसमें बड़ी समस्या नहीं है। सर थोड़ा सा देखिए खोल दीजिए ना थोड़ा सा। तो ये अब शुरुआती दौर पे है और अब बाकी है और कम से कम और 3 सप्ताह बाकी है, तो इसीलिए वहाँ का चलता रहेंगे ये सब चेकिंग वगैरह, तो हम आपको भी अपडेट देता रहेंगे। वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इस तरह का वीडियो और देखने के लिए चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इस तरह से आपको सूचना प्राप्त करना चैनल पर बने रहेगा, और इसी तरह ये देखिए हर चीज़ का जो हम चेकिंग करवाते हैं यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के मुताबिक, और साथ ही साथ
मजिस्ट्रेट के साथ यहाँ पर आवा है और ये देखिए हर चीज़ यहाँ चेकिंग किया जाता है। वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। Thank you.